क्या हुआ आनंद, तुम इतने उद्विग्न क्यों हो? आश्चर्य गुरुदेव, आश्चर्य। अमृत देने वाली कामधेनु ने आज बिल्कुल दूध नहीं दिया। आश्चर्य, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गुरुजी, किसी ने कामधेनु का दूध तो नहीं लिया? भ्रम के सहारे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गुरुदेव, गुरुदेव आंखों से झरझर आंसू और मुंह पे मुस्कुराहट। वत्स, चलो चल करके महाराज भूमगुप्त को यह शुभ समाचार सुनाए। भोज्य मुनिवर, आपके मुखारबिंद से यह शुभ समाचार सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लगता है मेरा सपना सत्य होने वाला है। अवश्य होगा महाराज, अवश्य। मुनिवर, आपके साथ उस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहूंगा। शुभस्य शीघ्रम, पधारिए महाराज। Thank you.
हे गंगाधर काल कलाधर नागेश्वर भक्तों पे दया कर, हे गंगाधर काल कलाधर नागेश्वर भक्तों पे दया कर, हे अंबे दर्शन तो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव शंकर भोले दानी जगदाता अंतर्यामी, हम लोहा तुम पारस स्वामी, कंचन कर दो तन मन वाणी। हम लोहा तुम पारस स्वामी, कंचन कर दो तन मन वाणी। जयति जय, जयति जय दर्शन दो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव शंकर भोले दानी जगदाता अंतर्यामी, ओ सुन लो अरज ये हमारी, दर्शन दो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। गंगेश्वर दर्शन दो, सिंधु भगवान शिव शंकर की जय। कृपा सिंधु भगवान शिव शंकर की जय। प्रिय भक्तों, मैंने महेश रूप में पांडवों पर कृपा की थी। महाबली भीम ने मेरा कटिभाग अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मेरा वो भाग केदारनाथ में है और अग्रभाग आज यहां प्रकट हुआ है। मैंने पशु रूप धारण किया था, इसलिए यहां मैं पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाऊंगा।
बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की। जगदम्बा, मातेश्वरी, प्रणाम। आशीर्वाद। आप पुष्प चुन रही हैं? आशुतोष की पूजा अर्चना के लिए। परंतु आशुतोष हैं कहाँ? अपने योगासन पर। नहीं है। अकस्मात कहाँ चले गए? श्लेष मानतक वन में। भक्तों ने गुहार दी और कृपा सिंधु पहुंच गए उन्हें दर्शन देने। अब माता से क्या रहस्य छिपाऊं? प्रभु धरती पर अपना अस्तित्व स्थापित करने गए हैं। तो ये रहस्य है? सर्वेश्वर की यही बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती, परंतु क्या करूं, मैं ठहरा उनका चरण सेवक। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, नारायण नारायण। लगता है देवी मुझसे रुष्ट हैं। स्वामी से दासी को रुष्ट होने का अधिकार कहाँ है? मनुष्य की भांति देवी को अधिकार की चिंता क्यों होने लगी? प्रतीक्षा में पूजा के पुष्प मुरझा गए और आप कहते हैं चिंता क्यों होने लगी? कहाँ गए थे आप? पृथ्वी पर। देवी भलीभांति जानती हैं हम सर्वदा मुक्त होकर भी अपने भक्तों के अधीन होते हैं। और उनकी इच्छा अनुसार आपको अपना अस्तित्व स्थापित करना पड़ता है? अपना नहीं, हमारा अस्तित्व। शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता। परमेश्वरी, हमारी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को सतयुग त्रेता द्वापर में सहस्त्रों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, किंतु कलयुग में हमारे अस्तित्व के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उन्हें मनोवांछित फल मिलेगा, उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। मैं कलयुग हूं, कलयुग। पृथ्वी पर अब मेरा साम्राज्य है। मेरी सत्ता को ललकारने वाला जीवन भर दुख पाएगा और मेरी शरण में आने वाला भोग विलास का आनंद प्राप्त करेगा। Thank you.
जाने जिगर क्यों बेखबर होया है तू बसी हो कि मैं अपने बस में नहीं हूं। तो अपने बाप से कहती क्यों नहीं कि मैं उर्वशी से ब्याह करूंगा? कह तो दूं, मानेंगे नहीं, हमारी तुम्हारी जात का प्रश्न उठा देंगे। तो तुम अपनी जात देखो, मैं अपनी जात देखूंगी। उर्वशी सुनो तो, उर्वशी थोड़ा और धीरज धरो, मैं अपनी मां को मनाऊंगा, वो मेरी सब बात मानती हैं। मां की बात पिताजी को माननी पड़ेगी। तुम्हारी मां से तुम्हारे पिताजी डरते? संतु, अरे कहां मर गया संतु? अरे कहां है संतु, जल्दी आ। आता हूं मालिक। मालिक दूध। संतु, दूध में मलाई नहीं आती। आप तो जानते हैं मालिक, कल बहुत बारिश हुई थी, गाय भी गई थी। हाँ बेवकूफ। हाँ हाँ, क्या क्या? श्रीकांत कहाँ है? कहीं पतंग उड़ा रहे होंगे उर्वशी के साथ, नोकझोंक की। यही तो उम्र होती मालिक। श्रीकांत उस लड़के से रोज मिलता है? जब से मैंने समझाया है, तीन चार बार नहीं, सिर्फ एक बार मिलने को जाते हैं मालिक। श्रीकांत का ब्याह जल्द ही करना पड़ेगा। सावित्री, श्रीकांत की माँ। ओ श्रीकांत की माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? तुम्हारे लाडले रस्सी तोड़ने वाले हैं, उसे जल्द ही ब्याह के बंधन में बांधना होगा। कोई लड़की है तुम्हारी दृष्टि में? हाँ, अपने ही जात की, एक सुंदर सुशील संस्कारी कन्या है, बेचारी गरीब घर की है। ये लो, पहले ही लुटिया डूब गई, एक दमड़ी भी दहेज में नहीं मिलेगी। पशुपतिनाथ की दया से हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें कहां लखपति बाप के घर से आई थी? लेकिन मेरे बाप ने दहेज में कपड़े लत्ते और दूध पीने के लिए गाय तो दी थी। बूढ़ी गाय, जिसे मेरे ससुर जी ने अपने बीमार माँ के गोदान के लिए खरीदी थी। माँ नहीं मरी तो दहेज में दामाद जी को दे दी। देखो जी, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। बात करनी है तो लड़की की बात करो। मुझे तो वो लड़की पसंद है। आपको लड़की पसंद है? मुझे भी एक लड़की पसंद है। बेटे, तुम्हारी उस पसंद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कई मन चले भी उसे पसंद करते हैं। जी नहीं, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। वो तुम्हारे सुख और संपत्ति को पसंद करती है। किसी ने अवश्य आपके कान भर दिए। पिताजी, उर्वशी बहुत अच्छी लड़की है। तुम इंद्र की आंखों से अपनी उर्वशी को देख रहे हो। वो हमारे घर की बहू बनने योग्य नहीं है। उसमें बुराई क्या है? हमसे छोटी जात की है। तो क्या हुआ?
गंगा गंदे नाले के पानी को भी गंगा बना देती है। नहीं श्रीकांत, नहीं, तुम्हारे पीछे हम अपना कुल भ्रष्ट होने नहीं देंगे। हमने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है वो रूप गुण सुंदरता में उर्वशी से बढ़कर है। मैंने मरते समय उसके बाप को वचन भी दिया था। मैंने भी उर्वशी को वचन दिया है। तेरा वचन जाए भाड़ में, मैं उस चुड़ैल को घर में घुसने नहीं दूंगी। तो मैं घर छोड़ दूंगा। अच्छा, तू उस चुड़ैल के लिए घर छोड़ देगा, माँ बाप को छोड़ देगा, आवारा बदमाश। हे भगवान, किस जन्म का बहरी पैदा किया है। आप लोग मुझे कोसिए, मारिए, कुछ भी कीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उर्वशी से, नहीं तो जन्म भर कुआरा रहूंगा। अपना फैसला बदल दो श्रीकांत, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरा फैसला अंतिम और अटल है। तुम्हें एक फैसला अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें उर्वशी के साथ मेरी जलती हुई चिता के साथ फेरे करने पड़ेंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं पिता, छोड़ दो मुझे। आप जिसके साथ कहेंगे छोड़ दे, मैं उसी के साथ शादी करूंगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। भगवान ने इन दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी मिलाई। लीजिए लीजिए, अब अपने वर को वर माला पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। अब अग्नि के साथ फेरे लीजिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबो बलचारु भक्षणम मासुतम शोक विनाशकार कम नमः विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शे सुरवाद साधिकेश्वर नेत्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे। ओम प्रियेनान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। ओम वसुमम अहम जानी गर्भद मात्रम जासि गर्भदम। ओम शांति शांति। अपार सुंदरी, अपना सुंदर मुखड़ा घूंघट में छुपाए बैठी हो, शायद इसलिए कहीं मेरी दृष्टि न लग जाए। अब तो मैं स्वयं इस चंद्रमुखी को देखूंगा। ये क्या, आपने तो मदिरा पे रखी है। पीने की वस्तु पी जाती है, खाने की वस्तु खाई जाती है। माँ तुम्हारी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करती, अब मैं भी तुम्हारे इस सौंदर्य का स्वाद तो लूं। दूर रहिए मुझसे, मदिरा की दुर्गंध से मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें इतना अभिमान? अभिमान कैसा, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, लेकिन मदिरा की दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होती। धीरे धीरे सबको सहने की आदत पड़ जाएगी। नहीं स्वामी, नहीं, मैं ऐसी दुर्गंध से मर जाऊंगी। तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी? स्वामी, आप तो मेरे जीवन धन है, परमेश्वर है, किंतु आपका ये मदिरा सेवन करने वाला रूप मुझे स्वीकार नहीं। मैं भी तुम्हें पत्नी के रूप में जीवन भर स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा पशुपतिनाथ, मेरी रक्षा करना।
सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बेटी तुम प्रसन्न तो हो ना? हाँ माँ बहुत खुश हूँ, आपका आशीर्वाद जो है। ये क्या, श्रीकांत यहां सोया है? अवश्य कोई बात है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारे लाडले बहू के कक्ष में नहीं सोए थे? फिर कहाँ सोया था? जाकर देखो कहाँ सोया है। बहू ने तो हमें कुछ नहीं बताया। सद्गुणी लड़कियों के यही लक्षण होते हैं। माँ जी लीजिए प्रसाद। माँ जी आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? बेटी स्त्री स्वभाव से शांत और सुशील होती है, लेकिन तुम स्त्री नहीं देवी हो। माँ जी इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बताया तक नहीं। रात भर वेदना के आंसू पीती रही और आंखों में उसकी झलक तक नहीं। माँ जी बेटी मैं जानती हूं मेरा बेटा क्या है। बचपन के लाड प्यार और इस घर के वैभव ने उसे हर मनमानी करने के लिए सहारा दिया। हमने तुम जैसे गरीब घर की लड़की से इसलिए ब्याह किया कि मरते समय तुम्हारे बाप को वचन दिया था। यह सब सोच करके तुम उसे सही मार्ग पर ले आओगी। अब अगर तुम इसमें सफल नहीं हुई तो हमारा किया व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी मैं प्रयत्न करूंगी, अवश्य करूंगी। हाँ। मैं उसे तोड़ कर रख दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकेगी, मेरे प्यार को ठुकरा कर धनवान से ब्याह करने चली थी ना, कर लिया ना ब्याह? उसने वचन देकर धोखा दिया धीरज। और तूने उसके धोखे पर अपने आप को समर्पित कर दिया ना? नहीं, वो अंकस्पर्श से अधिक कुछ नहीं पा सका है। अब तुमने क्या सोचा है? मैं उसका सब कुछ मिटा डालूंगी, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। हो गई ना कड़ी पतली, ये काम अपन का नहीं है। अजी सुनते हो रंभा, किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया ना? अरे किसी ने मेरा पीछा किया तो खोपड़ी तोड़कर कटोरा नहीं बना दूंगी। फिर क्यों तुम हाँफ रही हो? अरे दौड़कर आई हूँ। अच्छा बोल बात क्या है? पता चला है दुल्हन जी सुहाग की सेज पर अकेली तड़पती रही है, लल्ला जी दूसरी जगह मदिरा पीकर सो रहे थे। अच्छा एक तुम हो, अंदर आते ही दिया बुझा दिया था। क्या मैं लल्ला की जैसा बुद्धू हूँ? चलो हटो।
उठी हो? नहीं जी, बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरा हृदय तोड़कर बहुत पाप किया है। उर्वशी, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष हो? वचन मुझे दिया, ब्याह किसी और से किया? ये ब्याह नहीं उर्वशी, विवशता है। अगर मैंने शादी न की होती तो मेरे पिताजी आत्महत्या कर लेते। तुमने अपने बाप को बचाने के लिए मुझे जीते जी मार डाला श्रीकांत। हमारा ब्याह दिखावा के सिवाय कुछ भी नहीं। तुमने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया? नहीं, मैं मदिरा का सेवन करता हूं, इसलिए उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। श्रीकांत, मैं तुम्हें अभी भी उतना ही प्यार करती हूं मेरे श्रीकांत। कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगी शारदा? भोजन कर लो, भूखे पेट तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। उनके आने के बाद ही प्रसाद लूंगी माँ जी। आ गए श्रीमान। अरे मूर्ख, तुझे माँ बाप की इज्जत का कुछ तो ध्यान होता? ध्यान तो है पिताजी, तभी तो मैं आया हूँ। मत बोल इस मुंह से पिताजी, नीच कुकर्मी। नहीं बोलूं? ठीक है पिताजी, लेकिन इस मुंह ने तो बहुत मूल्यवान मदिरा पी रखी है। ये तो अमृत है अमृत पिताजी, थोड़ा आप भी तो चख लीजिए। खामोश नीच। नहीं स्वामी, नहीं। ऐसी संतान होने से तो नहीं संतान होना अच्छा था। ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा न कहिए। अरे कुलक्षणी, मुंह क्या देख रही है, ले जाइए इसे अंदर। जी चलिए। छोड़ दो मुझे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं नीच हूं, मैं नालायक हूं, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति नहीं, लेकिन सेवा तो चाहिए। हट जाओ मेरे पास से। मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं नालायक हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। जा। क्या है रे भांजे, बोलना। अरे क्या हुआ, बोलना रे।
तेरी मामी को, तेरी मामी के पत्थर गिरा छाती में। अरे नहीं, हैं? अरे नहीं भाई, अरे तुम क्या बोल रहे हो? तुमको क्या बहुत चिंता हो गई? मेरे को बहुत चिंता हो गई। हमारे साथ चौथी शादी कौन करेगा हमारे साथ? संता तू क्यों रो रहा है? क्यों नहीं रोए दादा? क्या हुआ? दिल दर्द हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ? तीसरी शादी चल गई। तो क्या हुआ, तीसरे के चौथी आएगी, चौथी गई तो पांचवी आएगी, हम हैं। क्या समझा? चौथी भी आ जाएगी जरूर, हमें तो क्यों नहीं आएगी? दादा हो अब भांजे, उसके गहने निकालना है, चल चौथी शादी में काम आ जाएंगे। दादा चलता है, जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम। ओफो, इस औरत ने तो सोने को भर कर दिया। पशुपतिनाथाय, बंद करो ये पाखंड। ये आप क्या कह रहे हैं? ये पाखंड नहीं, पूजा है। पूजा के लिए मंदिर बने हैं, मंदिर में चले जाओ, घर में आडंबर नहीं चलेगा, ये पत्थर भगवान नहीं बन सकता। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, प्रभु से क्षमा मांगिए। नहीं, सारे फसाद की जड़ यही पत्थर है, मैं इसे उठाकर फेंक देता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। न जाने क्या लगा रखा है, बार बार फिसल जाता है। अच्छा, तो ये तंत्र मंत्र का चमत्कार है। मैं शिवलिंग को ही चूर चूर कर दूंगा। ये औरत भयानक डायन है, मैं इसे भगा कर ही छोड़ूंगा। ये क्या हुआ, क्या मैं इतना दुर्बल हो गया हूं कि मुझसे एक छोटा सा शिवलिंग नहीं उठा, या उसने मेरी शक्ति छीन कर दी? देखता हूं। छोटा सा शिवलिंग उठा नहीं सका तो क्या हुआ? शिवलिंग तो रावण से भी नहीं उठा था, तो क्या रावण वीर नहीं था, पराक्रमी नहीं था? था, और तुम भी हो। हाँ, मैं सब देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जिसे तुम ब्याह कर लाए हो वह ऐसे एक जादूगरनी है, इसलिए उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम ठीक कहती उर्वशी, लेकिन पिताजी मानेंगे नहीं। वैद्य जी, आपने बताया नहीं ये अचेत क्यों है? चंद्रोदय, मोती भस्म सब दवाइयां दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन्हें बीमारी क्या है वैद्य जी? इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, लगता है जीवन के प्रति उत्साह नहीं रहा। संदास, चलो मेरे साथ दवा ले आओ।
इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए प्रभु, बाबूजी को ठीक कर दीजिए, इस घर में वही मेरे शुभ चिंतक है, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। संता, ए संता। संता दवाई लेने गया है, आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा विष दे दो। आप मुझसे ऐसी कठोर बातें क्यों कर रहे हैं? सावित्री, तुमने इस घर में सत्यवान की सावित्री ने राजा दशरथ के केकई की भूमिका निभाई है। मां बेटे ने मिलकर मेरी प्रत्येक अभिलाषा की होली जला डाली। बहु शारदा, शारदा क्या आ गया है बाबूजी? मेरी अंतड़ियां जल रही हैं, शायद संतू ने मुझे आज दूध नहीं दिया। मैं दूध लाती हूं। आप कैसे हैं मालिक? तुम कहां चले गए थे? बाबूजी, दूध लीजिए। बिटिया, मुझे दे दो, मैं पिलाता हूं। मुंह खोलिए मालिक। उठिए मालिक, दूध पी लीजिए। गिलास लो बिटिया। संतो जी मालिक, थोड़े दिन में मेरी महायात्रा आरंभ होने वाली है। मैं मर गया तो मेरा बेटा आगे ना दे, मेरी पत्नी मेरी देह को ना छुए, मेरी बहू शारदा मेरी चिता को आग देगी। समाज अगर अनुमति ना दे तुम्हें मेरी चिता को आग दोगे? स्वामी, मेरे साथ इतना कठोर न बनिए। बाबूजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, माँ जी का मन न दुखाइए। माँ बेटे ने जी भर के मेरा मन दुखाया है, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। जाओ। उस घर में शांति, जो सुख शांति मुझे तुम्हारी संगत में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। उर्वशी, कहो, तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं? अपनों से क्या मांगना, तुम तो बिना मांगे ही दे देते हो। पहनने के बाद मन हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी धर्म पत्नी होती तो मैं भी लाल परिधान पहनकर तीज मनाती। शारदा, कहां जा रही हो? पूजा के लिए मंदिर जा रही हूं। तुम तो घर में भी पूजा कर सकती हो, तुम्हारे ससुर बीमार हैं, उनकी देखरेख के लिए किसी को तो होना जरूरी है। ठीक है, आप जाइए। बहू, शारदा
आती हूँ पिताजी। कहिए पिताजी। बैठो बेटी, बैठो। अपने स्वार्थ में आकर मैंने तुम्हारा ब्याह अपने नालायक बेटे से कर दिया। जिसका मुझे बड़ा दुख है। इसके लिए मैं अपने आप को दोषी समझता हूं। नहीं पिताजी नहीं, इसमें आपका क्या दोष? ठहरिए, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। नहीं बेटी नहीं, नहीं। अब दवा की जरूरत नहीं। तुम मेरे पास बैठो। अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए पिताजी। बेटी मुझसे वादा करो कि इस भेद को किसी को नहीं बताओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ पिताजी। बेटी यह नागमणि, यह नागमणि हमारे कुल की धरोहर है। तुम्हारे पति को दूंगा या पता चलेगा तो इसे समाप्त कर देगा। इसे संभाल कर रखना, किसी को पता ना चले। पिताजी हम छोड़ कर मत जाइए। पिताजी क्या हुआ बहू? काका बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ बहू? बाजी स्वामी हमें छोड़ के चले गए। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। अरे कुलच्छड़ी तू आई, मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो गया और अब तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। नहीं माजी, बेटा इसने तेरे बाप को पाल लिया। नहीं माजी, नहीं। संतो इनके गले से नागमणि निकाल कर मुझे दे दे। इनके गले में तो कुछ भी नहीं मालकिन। बता इनके गले में नागमणि थी वो कहां गई? बेटी मुझसे वादा करो कि इस भेद को किसी को नहीं बताओगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो और किसे मालूम है? यहां बाहर का कौन आदमी आया था जो उनके गले से मणि ले गया? तूने ही छुपाई है वो मणि। नहीं मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा तू बड़ी पतिव्रता बनती है हाँ? तो खा अपने पति की सौगंध। मैं अपनी सौगंध खाऊंगी, उनकी सौगंध क्यों खाऊं? यदि तू सच्ची है तो तुझे खानी पड़ेगी कसम। घर में मुर्दा पड़ा है, उसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हीरा मोती पन्ना की चिंता है।
बाहरे लोग, बाहरी दुनिया, बचिता का प्रबंध करने जा रहा हूं। क्या हुआ बहू? गाय को दाना देते देते आंख में आंसू? क्या करूं काका, पिताजी की याद आंखों में बंधे हुए बांध को तोड़ देती है, तो आंसू रोक नहीं पाती। बेटी, सेठ जी थे ही ऐसे, उनकी हर बात को प्यार से अपने में बसा लो। काका, बचपन से लेकर बड़ी होने तक पिताजी से मुझे माँ का प्यार मिला, लेकिन भाग्य ने उसे भी वंचित कर दिया। ससुराल की सारी कड़वाहट को बाबूजी के प्यार ने भुला दिया, लेकिन अब नहीं बेटी, नहीं नहीं, निराश मत हो। सेठ जी का प्यार त्याग इस घर को अमृत देगा। तुम्हारी तपस्या में बड़ी शक्ति है बेटी, बड़ी शक्ति है। इतने दिन हो गए तेरे पिताजी की मृत्यु हुए, नागमणि की हवा तक नहीं लगने दी शारदा ने। मां, वो है तो घर में ही कहीं, कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। अभी तो वो पूजा में है। नागमणि कहां छुपा रखी है? इस सिंदूरदान में जरूर छुपाया होगा। हे भगवान, ये सांप कहां से आ गया? मां जी, हो गई पूजा? हाँ माँ जी। बेटी, तूने बहुत दिनों से सिंदूरदान से सिंदूर नहीं लगाया। सिंदूरदान से? हाँ, उसकी सुंदरता ही अलग है। आज लगाओ। ठीक है, अभी लगाती हूँ। सिंदूर की बात ही कुछ अलग है, कितनी सुंदर लग रही हो। माँ जी, पाए लागू छोटी मालकिन, ये दही कहाँ रख दूँ? दही वहाँ रख दो। सुनो रंभा, मुझे छोटी मालकिन मत कहा करो। क्यों ना कहो? क्योंकि मुझे इस घर में वो अधिकार नहीं मिला। जो अधिकार कोई न्याय से नहीं देता, वो अधिकार उसे लड़कर लिया जाता है। छोटी मालकिन, मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं है रंभा, घर स्वामियों की दया पर पड़ी हूँ, वो जब चाहे निकाल दे। जब वो खड़ी आएगी मालकिन, तब आप अपने आप को अकेली नहीं पाएंगी।
मैं चलती हूँ मालकिन। ए तितली रानी, कहाँ जा रही है? रस चूसने जा रही है या रंग चुराने? रंभा, मुंह संभाल के बोला कर। क्यों, सुई चुप गई? हवेली में अकेले अकेले किससे मिलने जा रही है? श्रीकांत का बाप मर गया है, उसका शोक मनाने जा रही हूँ। जब तेरा बाप मर गया तो माँ बेटी ने मिलकर कितने दिन शोक मनाया था? हाँ, बकबक करेगी तो तेरी जीप खींच लूंगी। टेटे करेगी तो चोटी नोच के तेरी खोपड़ी पर रोटी बेल दूंगी, समझी? मेरा मरद एक गैया का पूरा दूध मुझे पिलाता है। आंख में कजरोटा डालकर शोक मनाने आई है। श्रीकांत, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मां। कोई काम वाम नहीं है, बाप के मरने के बाद मनमानी करने लगे हो। दिन रात घर से बाहर रहते हो, हर घड़ी मदिरा में चूर रहते हो। इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। किस सुख के लिए मैं इस घर में रहूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। बेटा, थोड़ा जलपान तो कर ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटाओ। श्रीकांत, ये क्या किया तूने? घृणा, घृणा जो इसके जीवन में भर दी गई है। श्रीकांत प्यारे, तुम्हें स्नेह चाहिए जो इस घर में तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें दूंगी, चलो मेरे साथ। चंडालिनी, अब इसे इकट्ठा करने से क्या लाभ? तू न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। श्रीकांत तुझे देखना भी नहीं चाहता, फिर मैं तुझे रानी बनाकर इस घर में क्यों रखूं? चल निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे आपके चरणों में ही पड़े रहने दीजिए। आप लोगों के सिवाय और मेरा कोई नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की सेवा किया करूंगी और बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। माँ जी, दूर से उनके दर्शन कर लिया करूंगी। अरे अभागिन, वो घर में रहेगा तभी तो तू दर्शन कर सकेगी। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन उसने अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। मैं तुझे एक अवसर और देती हूँ। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। हाँ हाँ, मैं उसे घर में लेके आऊंगी जिसके लिए वो दीवाना है। इसी बहाने वो घर में तो रहेंगे। शारदा, कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ने से पहले आपके बेटे को लाने के लिए। वो तुम्हें मिलेगा कहाँ? उर्वशी के पास। न जाने तुमने कौन सा जादू कर दिया है, पल भर की जुदाई भी मुझे पागल बना देती है। मेरी भी यही हालत उर्वशी, अपने होठों की मदिरा पिलाकर मुझे मदहोश कर दो। देखने वाले पत्थर मारेंगे। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, जरा अपना हाथ तो बढ़ाओ। माँ से कहकर मैं इसी सप्ताह तुम्हारे साथ सात फेरे लूंगा। तुम्हारी माँ मानेगी? नहीं मानेगी तो हम मंदिर जाकर गंधर्व विवाह कर लेंगे। शिकार। Thank you.
स्वामी मेरे हाथ, हे भगवान, मेरे हाथ क्या हो गया मेरे पति को? भाई साहब, भाई साहब क्या होता करे मेरी? इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ, संभल के। वैद्य जी, इसका एक हाथ पांव क्यों नहीं चल रहा? बोलते हुए जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? क्या हो गया है मेरे बेटे को? पक्षाघात हो गया है। पक्षाघात? वैद्य जी, ये अच्छे तो हो जाएंगे ना? 24 घंटे के पश्चात दवा का प्रभाव देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। ये दवा शहद के साथ देते रहिए, मैं संदास के साथ दूसरी दवा भेजता हूँ। चलो संदास। वैद्य जी, मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए। मैं प्रयत्न करूंगा। हे प्रभु पशुपतिनाथ, मेरे स्वामी को अच्छा करना, उनकी सारी बीमारी मुझे दे दो। मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। वैद्य जी, अब कैसा है मेरा बेटा? दवा का थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ, परंतु प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। रोगी के अनुकूल वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मन के अनुकूल वातावरण? वैद्य जी, आप कहना। भगवान से प्रार्थना करो बेटी। अभागन, जब से तू इस घर में आई है, शांति चली गई है, मेरा सुहाग उजड़ गया। आज मेरा बेटा अधमरा पड़ा हुआ है, न जाने तू किस जन्म का बदला लेने आई है। अरे चुड़ैल, अपने भगवान से क्यों नहीं कहती कि इसे ठीक कर दे? भगवान ही इन्हें अच्छा करेंगे माँ जी। चुप रह पापी, इसे अच्छा करना होता तो बीमार ही क्यों करता? उर्वशी, उर्वशी। हाँ बेटा, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो तेरे बाप की बात मानने के लिए विवश हो गई, नहीं तो आज उर्वशी इस घर की बहू होती और सब कुछ ठीक होता। अब उर्वशी ही इस घर की बहू बनेगी माँ जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? भीख मांगने। भीख मांगने? इतने धनी घर की बहू होकर भीख मांगने आई हो? राजा हरिश्चंद्र को भी चाकरी करनी पड़ी थी, ये तो समय का फेर है। तुम क्या मांगने आई हो, साफ साफ कहो, मेरा समय नष्ट ना करो। तो वो बीमार है, हर पल हर सांस में आप ही का नाम लेते हैं, आपको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। अगर आप आएंगी तो आपको देख के उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आपके पांव पकड़ती हूँ, अपने प्यार के लिए मेरे साथ चलिए, फिर आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। शादी कर दी जाएगी? लेकिन तुम? अगर आप चाहे तो मैं आपकी सेविका बनकर आपकी सेवा करूंगी। ठीक है, चलो। माँ जी, ये रही आपके बेटे की खुशी, हृदय की धड़कन। उर्वशी, आपके घर की सुख शांति लौट आई है। स्वामी, आप तो आंखें खोलिए, देखिए उर्वशी खड़ी है। स्वामी, उर्वशी अब सदा आपके पास रहेगी। माँ जी, मेरे कारण आपको और आपके बेटे को बहुत दुख पहुंचा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। बहन, इन्हें सदैव प्रसन्न रखना। उर्वशी, अब तुम इस घर की बहू बनोगी। देर हो गई, लेकिन जब आँख खुले तभी सवेरा। अब संभालो इसे। श्रीकांत,
तुम्हें क्या हो गया? इसे पक्षाघात हो गया है बेटी। पक्षाघात? आधा अंग सूना? वैद्य जी ने कहा है ये जल्दी अच्छा हो जाएगा, फिर धूमधाम से तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। इस अर्धा जीवित के साथ मेरा ब्याह? ताकि इस अपाहिज के साथ मैं जीवन भर अपने भाग्य को रोती रहूं? लेकिन तुम तो इसे प्यार करती हो ना? सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं इसे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन स्वयं इसे किए का दंड मिल गया है। उर्वशी, बेटी उर्वशी। माँ। मालकिन मालकिन, हमारी बहुरानी पहाड़ी की ओर भागती हुई जा रही थी, मगर उनको मैंने रोकना चाहा, नहीं रुकी मालकिन, रोती रोती चली गई। क्या हुआ रंभा? तुम जैसे भी हो हमारी बहुरानी को बचाओ, हा? नहीं तो वो पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगी, जल्दी करो। उसे बचाओ संता। चलो रंभा। हाँ चलो। जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है, परंतु उपेक्षित और ठुकराया हुआ जीवन भी आत्महत्या का दूसरा रूप है। बचपन से लेकर आज तक कष्टों ने मेरे हर अभिलाषा को कुचल डाला, ऐसा निराधक जीवन जीकर क्या करूंगी प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना मुझे। ये क्या कर रही बहू? ऐसा मत करो बहू। नहीं बहू नहीं। यमराज तुम्हारे गले में मौत का फंदा डाले, उससे पहले मैंने तुम्हारे गले में जीवन का फंदा डाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया काका? मैं जीना नहीं चाहती। आपको जीना होगा बहू, इसके लिए आपको बहुत सी परीक्षा देनी होगी। लेकिन मुझे इस जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं। आपको फिर भी जीना पड़ेगा बहू। किसके लिए? श्रीकांत के लिए। चलो घर लौट चलो बहू। उस घर कैसे लौटूं जहाँ से निकलते समय किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? जो लोग पूछते नहीं, समय आने पर वही लोग पूछते भी हैं। छोटी मालकिन लल्ला तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं बहू। उर्वशी अपाहिज श्रीकांत को ठुकरा कर चली गई, तुमने भी उसे अपनाया, नहीं तो निराशा उसके प्राण भी ले सकती बहू। नहीं, नहीं, स्वामी, 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 मेरे जीवन भर, मेरे प्राण, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। भगवान ने इस घर को मिटने से बचा लिया। तूने श्रीकांत को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है उर्वशी। तूने ही तो धमकाया था, मैं कौन सा पाखंड करती, उसका आधा अंग सूना हो गया है। ठीक है, पर यदि तुम उससे प्यार का नाटक कर लेती तो बचा काम मैं कर लेता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस करो। नारायण नारायण, हर हर महादेव, शिव शंभु, दीक्षां देहि, दीक्षां देहि,
प्रणाम महात्मा जी, फल ग्रहण कीजिए। माता, उदास मन से कभी दीक्षा नहीं दी जाती। महात्मा, जिस घर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो, उसमें रहने वालों के मुख पर प्रसन्नता कैसे छा सकती है? तुम पर कैसी विपत्ति आ गई माँ? कुछ महीने पहले मेरा सुहाग उजड़ गया और अब मेरा बेटा पक्षाघात से पीड़ित होकर शैया पर पड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महात्मा जी, मेरे बेटे को देखकर आशीर्वाद दीजिए। माता, कहाँ है आपका बेटा? पधारिए महाराज, पधारिए। ओम नमः शिवाय। अखंड सौभाग्यवती भव। मेरा सौभाग्य आपके सामने बीमार पड़ा है बाबा। बेटा, महात्मा जी को प्रणाम करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ठीक हो जाएंगे, किंतु बाबा आप रुक क्यों गए? बोलिए। कार्य अत्यंत कठिन है। मैं प्राण पर खेल जाऊंगी, बताइए क्या करना होगा? इन्हें त्रिधाम की यात्रा कराई जाए तो भगवान पशुपतिनाथ की दया से ये पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। ये यात्रा तुम्हें अपने परिश्रम से करानी होगी। कराऊंगी, अवश्य कराऊंगी। क्या बिना सोचे समझे बकबक करती है? बेटी, विचार कर लो। पहले केदारनाथ, फिर बद्री विशाल, तत्पश्चात बाबा पशुपतिनाथ। यात्रा बहुत कठिन है बेटी। बाबा, मैं आपके आशीर्वाद से कठिन यात्रा पार कर लूंगी। नहीं, मैं जानबूझकर अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। नहीं मां, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी होगी। मां, शारदा के साथ अवश्य जाऊंगा। बेटा, संदेह न करो माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दो। मुझे महात्मा जी ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, उस पर विश्वास कीजिए। मैं आपके नाम को सार्थक करूंगी, सावित्री की तरह यमराज रूपी हर विपत्ति का सामना करूंगी। धन्य हो पुत्री, सदा शिव तुम्हारी रक्षा करें। यशस्वी भव। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि नारद। अरे, मुझे इस भेष में पृथ्वी पर किसने पहचान लिया? मैंने, कली ने। कली, तुम? हाँ देवऋषि, सुना था आप सदा लगाने बुझाने का काम किया करते थे, अब आप बहुरूपी का रूप भी धारण करने लगे। यह सब तुम्हारी कृपा का फल है कली महाराज। तुम्हारे प्रभाव से यहां लोग सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगे हैं। अगर हम अपने असली भेष में आते तो लोग कहते कोई बहुरूपिया नारद बनकर ठगने आया है। आपने अपना तानपुरा और करताल कहां छुपा रखे हैं? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में? हाँ, अच्छा होगा हम दोनों अंतरिक्ष में जाके बातें करें। युग युग से देती आई है नारी अग्नि परीक्षा, आज भी धरती पर रहती अनसुईया और सीता। Thank you.
कहानी न्यारी ओ नारी तेरी कहानी न्यारी।
नम शिवाय। अये स्वामी संभल के। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभल के स्वामी। स्वामी थक गए? नहीं। चलिए। थोड़ा और चढ़ने के बाद सीधा रास्ता अवश्य मिलेगा। भगवंत के दारेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आप ओम नमः शिवाय जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए। प्रभु, आपकी लीला का रहस्य समझ में नहीं आता। गिरिजा, मेरा ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे तुम परिचित नहीं हो? स्वामी, शारदा अपने बीमार पति के साथ केदारेश्वर का कठिन मार्ग पार कर सकेगी? ये तो उसके साहस पर निर्भर है देवी। दृढ़ इच्छा शक्ति पथिक का मार्ग स्वयं बता दे। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। स्वामी, नहीं नहीं, इसी पांव से मैंने तुम्हें मारा था। कितना पवित्र है ये पांव। नहीं स्वामी, ये तो मेरा सौभाग्य है। आप उन दिनों को भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? मैंने तुम जैसी देवी को कितना कष्ट दिया, कितनी उपेक्षा की थी। अगर मेरी उपेक्षा के कारण तुम उस दिन पहाड़ से कूद जाती तो मेरा क्या होता? लगता है आप मुझे रुलाकर छोड़ेंगे। तुम रोगी तो मेरा रोम रोम रो उठेगा। मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। जा, मार उसी के घर में जिसके साथ तूने मुंह काला किया था। बाजी, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। बचा लो। ये क्या पाखंड है? पाखंड नहीं, ये सच्चाई है। ये कुलटा श्रीकांत के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बकती हो? इसने तो छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसी बात छुपाए छिपी है कहीं। क्या प्रमाण है? इसके पेट में श्रीकांत का बच्चा है। खुद इसने स्वीकार किया है। अपने बेटे की प्रसन्नता के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसने उसे अधमरा समझकर ठुकरा दिया। ये अभागिन आपकी बात मान गई होती तो गांव भर में थू थू की घड़ी नहीं आती। माजी, मुझे शरण दीजिए। माजी, शरण दीजिए। मैं इसे घर में नहीं रख सकती हूँ। गुजारे के लिए कुछ धन दे सकती हूँ। हाँ,
यात्रा से लौटने के बाद श्रीकांत ने इसे स्वीकार कर लिया तो मैं भी स्वीकार कर लूंगी। आपका बेटा क्या लौट कर आएगा? तेरे मुंह में आग लगे। मेरा बेटा अवश्य लौटेगा। शारदा उसका गला घोट कर मार चुकी होगी। नीच, तू एक पतिव्रता नारी पर दोष बन रहा है। मैं तेरा गला घोट कर मार डालूंगा। अरे कुत्ते की छटिया औलाद, किसी की गर्दन घोट दूं, किसी का पेट फाड़ दूं, इससे पहले भाग जाए यहां से। चल भाग जाए यहां से, निकल जाओ। तूने धीरज को छेड़ा है बुड्ढे, अब तो अपनी मौत का दिन गिन। चलो अरे जा जा। ये सब बड़े दुष्ट जान पड़ते हैं। वो दुष्ट है तो उसके लिए मैं महादुष्ट हूं मालकिन। आप चिंता ना कीजिए, मैं उसको कुत्ता चुरा जाऊंगा। ये खुसट न जाने कहां से आ टपक पड़ा, वरना उस बुढ़िया से कुछ मोहरे तो निकलवा ही लेता। ये सदा इसी घर में रहता है, इनका पुराना नौकर है। ठीक है, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले श्रीकांत और शारदा को ठिकाने लगाना है। शारदा, प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में कितना सुख है, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे तो आपके सुख में ही सुख मिलता है। चलिए चलते हैं। शारदा, अब ये बताती हूँ तुझे। मेरे लल्ला का, मेरे लल्ला का गला दबा रहा था। मेरे लल्ला का गला दबा रहा कितना भी जोर लगाएगी कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा मर्द एक गैया का पूरा दूध मुझे पिलाता है, समझी? जिस दिन तुम गांव से निकले थे उसी दिन से तेरा पीछा कर रहा हूँ मैं। मुझे छोड़ दो, फिर मैं ऐसे बोल नहीं करूँगी। छोड़ दो। छुड़ा मेरी ये आँख जिसे कटार चलाती है, मदार का दूध डालकर काढ़ी कर दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो तेरे को मैं। छोड़ दो। छोड़ दीजिए मेरे को। छोड़ दो। हाँ, मेरा मर्द एक गैया का पूरा दूध मुझे पिलाता है, समझी? बड़ी मेरी मालकिन को मारने आई थी। हाँ, मेरे लल्ला जी का बच्चा तेरे पेट में बोल रहा है। हाँ, देख, तेरी तो बहुत भरपूर सेवा करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, चल। मालिक, ये हवेली में आधे का हिस्सेदार बनने आया था, आधा यहाँ दे दिया, आधा गांव में जाकर दूंगा। मुझे माफ कर दिए श्रीकांत बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। चल, तुझे गांव में जाकर आधा दूंगा। चल 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 मेरी मालकिन के पांव पर, नहीं तो फिर पीटने लगूंगी। इतने दिन के लिए मेरा मर्द एक गैया का पूरा दूध पिलाता है मुझे, समझी? मुझे माफ कर दो बहन। चल चल। काका, छोड़ दो इन दोनों को, अपने किए का फल पा गए। नहीं मालकिन, ये दोनों कुत्ते की पूंछ है, ना सीधे होंगे ना सीधे रहेंगे। इन दोनों को रास्ते पर पीटते हुए ले जाएंगे, गांव में खंबे में बांधकर 21 दिन तक पीटेंगे मालकिन। गधे पर बैठाकर बाहर निकालेंगे। आज्ञा दीजिए मालकिन। संत काका, माँ से कहना हम शिव जी की कृपा से अच्छे हैं। माँ पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहे, हमारा कल्याण होगा। जाओ रंभा। चल चल, ऐसा चाहिए ना। चल, तो के बीच में तेरे को बांध कर देता। चल चल चल, तुझे हिस्सा चाहिए ना। चल देती हूँ। कदे में बिठाए ना इनको। चल चलिए। मालूम नहीं संता और रंभा कहाँ चले गए। नमस्ते मालकिन। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? लल्ला बहू की रक्षा करने गए थे। हे भगवान, क्या हुआ मेरे बच्चों को?
उर्वशी और उसका साथी उन दोनों की हत्या करने गए थे मालकिन। हम दोनों ने उनकी खूब पिटाई की और उन्हें बांध कर लाए मालकिन। उन्हें छोड़ दो संता, पापियों से भगवान बदला लेगा। अब मेरे बच्चे कैसे हैं? उनके रक्षक बाबा पशुपतिनाथ हैं। अब वे दोनों बहुत प्रसन्न हैं मालकिन। तो आप मुझे कंधे पर उठाकर चलेंगे? हाँ शारदा। अगर आप मुझे गोद में उठाकर चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तुम्हें पलकों में उठाकर चल रहा हूँ, पलकों से खिसक गई तो गोद में आई जाओगी। लीजिए, आ गई परीक्षा की घड़ी। अब क्या होगा? इसे पार तो करना ही होगा। नदी गहरी हुई तो हम दोनों साथ डूब जाएंगे। नहीं स्वामी नहीं, मैं डूबने में नहीं तैरने में विश्वास रखती हूँ। बोलिए, ओम नमः शिवाय। 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 जय बाबा पशुपतिनाथ। जय बाबा पशुपतिनाथ। स्वामी संभाल के, संभाल के स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कपड़े तो सारे गीले हो गए। स्वामी कपड़े तो सूख जाएंगे। बोलिए। और पास आना। ऐसे न देखिए, मुझे लाज आती है। तुम बहुत सुंदर हो शारदा, तुम्हारे इस मनमोहक रूप को आज मैंने जी भर के देखा है। आंखें खोलो। मत भरे नैनों में डूब जाना चाहता हूं। इन कमल नैनों को मत बंद करो।
जहां मैं सबसे प्यारा यारा तू ही जहां मैं सबसे प्यारा देखा नहीं था कभी दिल की नजर से तुझे देखा नहीं था कभी दिल की नजर से तुझे जीवन अंधेरों में गुजारा दोनों कौन हो यहां पहाड़ी क्षेत्र में क्यों पड़े हो हम केदारेश्वर जा रहे दर्शन के लिए पहुंच सकोगी बर्फ के नीचे दब जाओगी फिर भी केदारेश्वर के दर्शन करके ही रहेंगे तुम्हारी इच्छा ये कौन है मेरे पति
यह अपाहिज तुम्हारा पति? आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं इन्हें दर्शन के लिए ले जा रही हूँ। क्यों अपना जीवन इस अपाहिज के लिए बर्बाद कर रही हो? मुंह संभाल कर बोलो। क्रोधित मत हो, मैं तो तुम्हारे लाभ के लिए बोल रहा हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हारा जीवन सुधार दूंगा। बस बस, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। नहीं, नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। छोड़ दे मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। मैं इस थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। लगड़े, तेरी यही मौत है। दुष्ट, तूने मेरे पति को मारा। बाबी, तू मेरे पति को मारेगा? भाग, तूने भाग। स्वामी, 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 आपको कहीं लगा तो नहीं? नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ। मेरे लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। क्या बात है देवी, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं। एक मूर्ख शारदा को बेसहारा समझकर उसके सतीत्व से खेलने चला था। देवी, स्त्री अबला के साथ साथ दुर्गा भी तो है। आपके कितने रूप हैं ये आप स्वयं जानती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय बाबा पशुपतिनाथ। स्वामी, आप मुझे पकड़ कर रखिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय बाबा पशुपतिनाथ। स्वामी, आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। बस अब थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। शारदा, तुम मेरे लिए कितना कष्ट सर। बस अब इससे आगे कुछ मत कहिए, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, यही वो जगह है जहां पर बकासुर ने बैठकर भगवान आशुतोष की भक्ति की थी। बड़ा ही महत्वाकांक्षी था बकासुर, और एक दिन ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। अरे, इस अधलंगे अवघड़ की इतनी सुंदर पत्नी, अगर इसे मैं भस्म कर दूं तो इसकी पत्नी से मैं ब्याह कर सकता हूं। क्या सोच रहे हो बकासुर? अगर विश्वास नहीं होता तो उस छोटे पौधे पर हाथ करो। अब विश्वास हुआ, अब तुम्हें लोग भस्मासुर के नाम से जानेंगे। प्रभु, एक बार आपके सर पे हाथ रख के देख लो,
फिर हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। नहीं बसवंत, तुम वहीं रहो। ये मोहिनी मुझे दे दो। भगवान नीलकंठ वैकुंठ लोक पहुंच गए। भस्मासुर को स्वयं वरदान दिया, उसे अपने हाथों कैसे मार सकता हूं वैकुंठनाथ? आप लोग वैकुंठ का आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मैं देखता हूं उसे। तो उससे भी सुंदर है। तुम कौन हो सुंदरी? विश्व मोहिनी। निसंदेह तुम्हारे रूप सौंदर्य के समान तीनों लोक में कोई नहीं है। तुम भी देवराज इंद्र से अधिक सुंदर हो, इस तरह तुम मुझे मिल जाओगे इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे स्वीकार कर सकती हो प्रिय। मेरे अभाग्य, किंतु मैं उसे ही स्वीकार कर सकती हूँ जो मेरे साथ नृत्य कर सके। तुम्हें पाने के लिए मैं नृत्य कर सकता हूँ, किंतु नृत्य आता नहीं मुझे। मैं सिखाऊंगी और ऐसा सिखाऊंगी कि संसार वाले दंग रह जाएंगे। मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करते रहिए, ऐसे ऐसा। ये हाथ थोड़ा ऐसे। अच्छा, ऐसा। ऐसा। हाथ सीधा। हाँ। उसके बाद ये। अच्छा, ऐसा। ये उंगली सीधी कीजिए। फिर से कीजिए। ऐसे। हाँ। ऐसे। पहले ऐसे, फिर हाथ यहाँ, फिर हाथ ऊपर, पहले ऐसे, फिर हाथ सीधे, फिर हाथ सिर के ऊपर। अब साथ में कीजिए, पहले ऐसे और उसके बाद ये और उसके बाद ऐसे। भगवान भोलेनाथ इस तरह से अपने कुटिल भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। अच्छा कर दीजिए, मैं आप ही के भरोसे आई हूं प्रभु, आप ही के भरोसे आई हूं। शारदा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं अच्छा हो रहा हूं। देखो देखो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं। स्वामी, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। बाबा पशुपतिनाथ की यात्रा पूरी होते ही आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे स्वामी। प्रभु, प्रभु मुझे साहस दीजिए, मैं आपकी यात्रा पूरी करके आपके दर्शन ले लूं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
शारदा, अब मेरे पांव में शक्ति आ रही है। प्रभु भोलेनाथ अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। धीरे धीरे हम बद्री विशाल पहुंच जाएंगे। भाई रास्ते से हट जाइए। किसे कहा भाई? आपको। मैं तेरा भाई? मैं तेरा भाई कैसे हुआ? जाना चाहते तो जा जा जा। भाई मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे तू इसे यही छोड़ दे, जा चली जा जा जा। अरे मरने दे इसे, कहां लिए लिए घूम रही है। बंद कर अपना मुंह। तूने इस मुर्दे के लिए मुझे थप्पड़ मारा, ये देख। स्वामी, 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 स्वामी कहां गया? ये रहा तेरा पति, अब इसे यहीं से फेंकता हूं। ये ले। नहीं, स्वामी। शारदा, स्वामी आप? लगता थकावट के कारण तुम्हें नींद आ गई थी। मेरे लिए तुम्हें कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। स्वामी नहीं, ऐसा मत कहिए। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था। अब चलें? हाँ, ठीक है, चलिए। जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय भोलेनाथ। बाबा कितनी दूर है यार? बस बेटा, भोलेनाथ का नाम लेती जाओ, थोड़ी देर में बद्री विशाल के दर्शन हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल। प्रभु आपसे प्रार्थना है, मेरे पति को क्षमा करके इनका स्वास्थ्य ठीक कीजिए। जय बद्री विशाल। पुत्री प्रसाद लो। स्वामी थोड़ा साहस और रखिए, बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन होते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे कोई आश्रम दिखाई दे रहा है, चलिए वहां चलकर विश्राम कर लेते हैं। आयुष्मान भव। बाबा पानी मिलेगा? मेरे पति प्यासे हैं। उस कुटिया में जाओ, वहां जल फल सब कुछ मिलेगा। चलिए। नहीं,
मालूम नहीं मेरा बेटा और बहू कैसे हैं। बाबा पशुपतिनाथ पर भरोसा रखिए मालकिन, दोनों बिल्कुल बहुत आनंद से हैं। ओम नमः शिवाय। जय बाबा पशुपतिनाथ, जय भोलेनाथ। रास्ता ढलान का है, फिर भी संभाल कर चलिए। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय बाबा पशुपतिनाथ। सभी संभाल के। स्वामी अब ठीक तो है ना? शारदा जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे दासी कहिए, शारदा जी नहीं। थोड़ा विश्राम करें। नहीं, चलते हैं, संध्या होने वाली है। जय बाबा पशुपतिनाथ। ओम नमः शिवाय। जंगल का रास्ता और कितना लंबा है, लगता है रात होने वाली है। जैसे इतने कठिन रास्ते समाप्त हुए, ये रास्ता भी समाप्त हो जाएगा स्वामी। बहन, आप लोग इस घने जंगल में? हम बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। जय बाबा पशुपतिनाथ। बहन, जंगल बहुत बड़ा है, रात हो रही है। अच्छा हो आप लोग भाई के घर विश्राम करें, सुबह चले जाइएगा। बहन, अपने इस भाई के झोपड़े को पवित्र कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। नारायण नारायण। प्रणाम दर्शी। कलिराज, आप अपनी विजय घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप मुझ पर व्यंग बाण चलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं कलिराज, मेरे पास व्यंग बाण चलाने का इतना समय ही कहाँ। फिर पृथ्वी भरा आपकी चलती है, मेरी वहाँ चलेगी भी कहाँ? आपकी वहाँ पर चलेगी भी नहीं। शारदा का दृष्टांत सामने है, देखना है अब बाबा पशुपतिनाथ के द्वार तक पहुँचती है या नहीं। नहीं, कभी नहीं, वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी। जय बाबा पशुपतिनाथ। ओम नमः शिवाय। जय बाबा पशुपतिनाथ। ओम नमः शिवाय। स्वामी, स्वामी अपनी पकड़ कर रखिए। पशुपतिनाथ बाबा, शिव शंकर।
आंखें खोलो पुत्री। तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। प्रभु प्रणाम भोलेनाथ, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। उठो वत्स, तुम्हारी अंतिम यात्रा पूरी हुई। ये देखो। जय बाबा पशुपतिनाथ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। शारदा, शारदा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वामी ये सब प्रभु की दया है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। वत्स, जो मुझे हृदय से पुकारता है वहां मैं स्वयं आता हूं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। प्रणाम सदाशिव। आयुष्मान भव। पुत्री तुम्हारी अटूट श्रद्धा और भक्ति ने तुम्हारे पति को पूर्ण स्वस्थ कर दिया। पुत्री तुम दोनों अपने घर जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। जय भोलेनाथ। नारायण नारायण। मेरी बहू। मालिक। मेरे माँ जी। प्रणाम मालिक। माँ जी तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बस माँ जी बस, बीते दिनों को भूल जाइए। माँ शारदा की तपस्या से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बाबा पशुपतिनाथ की जय। बाबा पशुपतिनाथ की जय। जय परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम बम भोले शिव, जय भोले जय जटाजूत परमेश्वर।